जिंदगी में समस्या तो हर दिन खड़ी होती है, लेकिन आपको पता है कि इन समस्याओं से कौन पार पा पाता है? वो जिनकी सोच बड़ी होती है। जिंदगी में अगर लक्ष्य बड़ा हो तो बहानों से काम नहीं बनता। इसलिए आपके सपने और आपका लक्ष्य दूसरों से जितना अलग है, आपका मेहनत और आपका संघर्ष भी उतना ही अलग होगा। कठिनाइयों पर नहीं बल्कि अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखिए। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 35 फसलों की विशेष किस्म राष्ट्र को समर्पित की। देश की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों, जलवायु परिवर्तन और कुपोषण को ध्यान में रखकर इन फसलों को तैयार किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कृषि को उद्योग के रूप में नहीं बल्कि इसे एक अवसर के रूप में विकसित कर भविष्य में आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में बने नेशनल बायोटेक स्ट्रेस टॉलरेंस इंस्टीट्यूट को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जोधपुर में सिटी नॉलेज और इनोवेशन क्लस्टर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने शिक्षा में सतत विकास पर जोर देते हुए भविष्य की जरूरतों के लिए एक मजबूत और किफायती शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उपराष्ट्रपति ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की पुस्तक संविधान संस्कृति और राष्ट्र का विमोचन भी किया। चुनाव आयोग ने लोकसभा की 3 सीट और अलग अलग राज्यों की 30 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। लोकसभा की 3 सीटों और विभिन्न राज्यों में 30 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 30 अक्टूबर को होंगे। मतों की गिनती 2 नवंबर को होगी। चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी, जबकि नामांकन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर होगी। जमीन से आसमान में मार करने वाले आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है। आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण आकाश प्राइम का ओडिशा के तट चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से परीक्षण हुआ। मौजूदा आकाश प्रणाली की तुलना में आकाश प्राइम बेहतर सटीकता के लिए एक स्वदेशी सक्रिय RF साधक से लैस है। आकाश प्राइम मिसाइल दुश्मन के विमानों का पता लगाकर इसे ध्वस्त करने में सक्षम है। और आइए अब नजर डालते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के विभागों की घोषणा कर दी गई है। कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद को तकनीकी शिक्षा विभाग सौंपा गया है। वहीं छत्रपाल सिंह गंगवार राजस्व विभाग के प्रमुख होंगे। संजीव कुमार को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। राजधानी दिल्ली में मच्छर जनित बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। एक सप्ताह में डेंगू के 62 मरीज सामने आए हैं। वहीं मलेरिया और चिकनगुनिया के केस भी सामने आए हैं। इसके बाद सरकार की ओर से कई इलाकों में फॉगिंग कराई जा रही है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में भारतीय खेल प्राधिकरण की शासी निकाय की बैठक में भाग लिया। बैठक में टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रमोट करने का फैसला भी लिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को पत्र लिखकर उन्होंने यह जानकारी दी है। इसके बाद सिद्धू के समर्थन में पंजाब सरकार में मंत्री रजिया सुल्तान ने भी मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिया है। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के साथ लंबे समय तक टकराव के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना ने छात्रों के जीवन को बेहतर बनाने का जिम्मा उठा रखा है। बोनियार में स्मार्ट क्लासरूम के जरिए छात्रों को पढ़ाया जा रहा है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने चेन्नई में 6,47,00,000 रुपए की लागत से बने तमिलनाडु पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसमें पुलिस बल द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों, उनकी वर्दी, संगीत वाद्य यंत्र, नकली मुद्रा छपाई मशीनों को भी प्रदर्शित किया गया है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एसोसिएशन ऑफ कंजर्वेशन और टूरिज्म की ओर से चित्र प्रदर्शनी और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल हुए। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए भी विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। और आइए अब दुनिया भर की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। जर्मनी में हाल में हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने से गठबंधन सरकार बनाने के आसार हैं। हालांकि वामपंथी विचारधारा वाली सोशलिस्ट पार्टी ने संघीय चुनावों में बहुत कम अंतर से जीत का दावा किया है। कड़ा मुकाबला होने की वजह से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। इसे देखते हुए गठबंधन सरकार के आसार हैं। अफगानिस्तान में बैंक प्रणाली ध्वस्त होने की कगार पर है। अफगानिस्तान इस्लामी बैंक के कार्यकारी अधिकारी सैयद मूसा कलीम अल फलाही ने कहा है कि देश का वित्तीय उद्योग संकटग्रस्त है, जिससे उपभोक्ताओं में बेचैनी है। बैंकों से केवल निकासी हो रही है और अधिकांश बैंक काम नहीं कर रहे हैं। विश्व बैंक के अनुसार मुख्य रूप से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था विदेशी अनुदान पर निर्भर थी और सकल घरेलू उत्पाद का 40% हिस्सा विदेशी सहायता के रूप में आता था। चीन ने निकट भविष्य में वीजा प्रतिबंधों और सीमा नियंत्रण में ढील देने से इनकार कर दिया है। लंबे समय से जारी चीन के कड़े यात्रा प्रतिबंधों की भारत के दूत विक्रम मिश्री द्वारा आलोचना के बाद चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कुआ चुनयिंग ने कल कहा कि कोविड महामारी के दौरान चीन ने जो नियंत्रण उपाय किए हैं वो भारत के लिए ही नहीं बल्कि सभी पर लागू हैं। कोविड नियंत्रण उपायों के नाम पर चीन की रोक से भ्रम पैदा हुआ है, क्योंकि उसने कोविड के बावजूद दक्षिण कोरिया और अमेरिका के विद्यार्थियों को अपने यहां आने की अनुमति दे दी है। जापान में 1 अक्टूबर से कोविड क्वारंटीन अवधि 14 दिन से कम करके 10 दिन कर दी जाएगी। इस समय जापान के नागरिकों के लिए क्वारंटीन का समय 14 दिन निर्धारित है। इसमें बेल्जियम, क्यूबा, तुर्की, रूस और उज्बेकिस्तान सहित संक्रमण की अधिक आशंका वाले 40 से ज्यादा देशों से आने वाले लोगों के लिए 3 दिन सरकारी केंद्रों में रहना भी शामिल है। जापान में प्रतिबंधों में ढील के देने के कारण टीकाकरण अभियान में संतोषजनक प्रगति है। और प्रीति, हमने खबरों की बातें कर ली, राज्यवार खबरों की बातें, देश विदेश की खबरों की बातें भी कर ली, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम सभी को अपने दिल का ख्याल भी रखना चाहिए। और अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर हम खबरों से निकलकर अचानक ये दिलविल की बात क्यों करने लगे, तो वो इसलिए क्योंकि आज विश्व हृदय दिवस है। बिल्कुल, दिल का मामला बहुत ही नाजुक होता है। आज के माहौल में न सिर्फ बुजुर्ग बल्कि कम उम्र के लोग भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हृदय संबंधित बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व हृदय दिवस मनाने की शुरुआत की थी। आज के दौर की भागम भाग में तनाव, गलत खान पान और पॉल्यूशन जैसी वजहों के चलते हृदय रोग में खासा इजाफा हुआ है। इसकी चपेट में सभी उम्र और वर्ग के लोग हैं, तो इस समस्या के प्रति जागरूकता पैदा करना लाजमी हो गया है। हर वर्ष आज के दिन मनाया जाने वाला विश्व हृदय दिवस इसी कवायद का हिस्सा है। विश्व हृदय दिवस की शुरुआत सन 2000 से हुई। हृदय रोग विशेषज्ञों के अनुसार दिल की बीमारी किसी को भी हो सकती है, पर महिलाओं में हृदय रोग की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। बावजूद इसके वे इस बीमारी के जोखिमों को नजरअंदाज कर देती हैं। इसलिए विश्व हृदय दिवस ऐसे सभी तबकों को आगाह करता है कि बचाव ही एकमात्र रास्ता है। बिल्कुल सही बात है पराक्रम, कि बचाव ही एकमात्र रास्ता है। और जिस तरह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल और हमारी जो जीवन शैली
बदल गई है समय के साथ, बिल्कुल वो सबसे बड़ा कारण है। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि लाइफस्टाइल जो है हमारी, मतलब हम ठीक है टेक्नो सेवी हम बने हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा मशीन पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। मतलब हम देखेंगे कि ऑफिस भी आना होता है तो या तो एस्केलेटर का यूज होगा या लिफ्ट का यूज होगा, फिजिकल आउटवर्क ज्यादा बचा नहीं है। तो ऐसे में जो आपने जिक्र किया था कि छोटे उम्र के जो लोग हैं वो भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, बिल्कुल। और फिजिकल जो आप वर्कआउट की बात कर रहे हैं उसमें खान पान का भी बड़ा रोल है, इसलिए फास्ट फूड से दूरी बनाओ, खान पान का ध्यान रखें। और जब बात हम सेहत की कर ही रहे हैं तो हम जानते हैं कि स्वस्थ जीवन सुखी जीवन जीने की पहली जरूरत है। आप जितना स्वस्थ रहेंगे उतने ही आनंद से जीवन भी जिएंगे और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर पाएंगे। बिल्कुल, और स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ मस्तिष्क का होना भी जरूरी है। मानसिक परेशानी आसानी से दूसरों को नजर नहीं आती, लेकिन कई बार ये शारीरिक रोग से ज्यादा खतरनाक होती है। एंग्जाइटी की समस्या है तो क्या करें, जानिए हमारे एक्सपर्ट से। आज की तारीख में एंग्जाइटी हमें कहीं लेवल पे हो रही है, इस लेवल पे भी हो रही है कि कहीं हमें कोविड ना हो जाए, कहीं हमारे जान पहचान वालों को ना हो जाए, कहीं हमारे से ही किसी और को ना हो जाए। साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, लोगों के जॉब्स चले गए हैं, फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत पड़ा है लोगों के ऊपर, तो वो और भी एंशियस हो रहे हैं। तो मैं सिर्फ कहना चाहूँगी कि हम ये एंजाइटी कैसे कम कर सकते हैं, एक अपनी हम रूटीन बनाएं, उसको फॉलो करें, दूसरा हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लें। तो हमें इंफॉर्मेशन वही लेनी चाहिए जिससे हमारा मानसिक संतुलन ठीक रहे। लाइफ में नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स तो आते रहेंगे, मगर हमें कोशिश करनी है कि हम कब नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलें। जब भी एंजाइटी को लेके हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएँ तो हमें ये करना चाहिए कि एक पेपर पेंसिल लें और अपने नेगेटिव थॉट लिखें और उसके आगे एक पॉजिटिव थॉट लिखें, और फिर एक नेगेटिव थॉट अगर आता है उसके आगे पॉजिटिव। आप देखिएगा कि आप जैसे जैसे पॉजिटिव थॉट्स लिखेंगे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पॉजिटिव थॉट्स पे जाता जाएगा। और पॉजिटिव थॉट्स कैसे हों कि मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ, मैं बिल्कुल काम हूँ, मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे पॉजिटिव थॉट्स को आप बार बार लिखेंगे। एंजाइटी कम करने के लिए अगर ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो एक तरह से एंग्जाइटी की जब बात करें तो मुझे लगता है पराक्रम कहीं ना कहीं हर कोई इसका शिकार होता है, लेकिन कुछ लोग एंग्जाइटी को मैनेज कर लेते हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी ही समस्याओं को और बड़ा कर सोचने लगते हैं और एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। और प्रीति, ये हमने देखा जब से कोविड सिचुएशन बनी है उसके बाद से डिप्रेशन और एंग्जाइटी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, और हमने देखा कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी गई हैं, लेकिन आप उम्मीद और आत्मविश्वास के दम पर किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, क्यों प्रीति? बिल्कुल, और आपको बता दें कि आज क्या कुछ खास संसद टीवी पर आप देख सकते हैं। संसद टीवी पर संवाद श्रृंखला की पहली कड़ी में आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संसद टीवी की विशेष बातचीत आज रात 10 बजे। एक राष्ट्र, एक राजनीति, एक सरकार, सभी की यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं। 75 वर्ष की यात्रा राष्ट्र की, 20 वर्ष की एक राजनेता की उपलब्धियां पूरे देश की। यात्रा और पड़ाव के बीच की इन कड़ियों को संसद टीवी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नजरिए से समझने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को लेकर आपकी पार्टी जो एक पूरा अभियान है वो सेवा और समर्पण के नाम से वो हो रहा है। कार्यकाल के जो 20 वर्ष संपन्न हुए हैं अब तक, और उन्होंने कुछ न कुछ प्रेरणा हर एक फील्ड में दी है। संवाद श्रृंखला की पहली कड़ी में देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संसद टीवी की विशेष बातचीत बुधवार रात 10 बजे। तो आज रात 10 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूले, और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे इतिहास के पन्नों की, बने रहिए हमारे साथ। देश के भीतर मुद्दे हजार, संसद में हर मुद्दे पर गंभीर विचार। इस वंचित लोगों के लिए सदन है ताकि उनकी समस्याओं पर चर्चा हो सके। कभी इकरार,
कभी तकरार, कभी इनकार। दिल मिले या ना मिले, कम से कम हाथ मिलाते चलो। विपक्ष के सवाल, उत्तर देती सरकार। हम देश के एजेंडा को लेकर के चलते हैं, देश के एजेंडा को लेकर के चलते रहेंगे। लंबी बहस, रोचक वाद विवाद, डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड। देखिए संसद संवाद सिर्फ संसद टीवी पर। संसद टीवी एकम सत नाम से एक नई श्रृंखला आरंभ करने जा रही है, जिसमें अलग अलग धर्मों के विषय में आपके सामने दृश्य रखे जाएंगे। कस्तूरी तिलकम ललाट फलके वक्षस्थले कौस्तुभम ना सागरे नमो भक्तगम करदले वेदम करे कंगणम सर्वांगे हरिचंदनम चितलयन कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल अचूरा। एकम सत विप्रह बहुधा वदन्ति। सच्चाई एक है, उसे अभिव्यक्त करने के अलग अलग मार्ग हैं। जितने धर्म हैं उनकी जो विशेषताएं हैं, उनके जो गुण हैं, वो आपके सामने लाई जाए। नई समझ, नई सोच इस देश में आरंभ हो धर्मों के बारे में। हिस्टोरिक एंड मोमेंटस लॉ ऑफ इंडिया, द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, FCRA has been in existence for more than 4 decades now. For the economy of any country, foreign money normally is always welcome, but the intentions of that money coming in could be suspect, and that is why a robust law was needed. What constitutes foreign contribution? Besides applying to public sector and government sector and judges, members of legislature, it also applies to the news media. Watch with us, 75 years, laws that shaped India, only on Sansad TV. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत और हेलो इंडिया में बात करेंगे आज के इतिहास की। लेकिन उससे पहले प्रीति, इतिहास का जब हम महत्व की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे जनरेशन कोर हमें भी देश दुनिया में क्या कुछ इतिहास में घटना घटी थी उसकी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए हम लेकर आते हैं अपना खास सेगमेंट इतिहास के पन्नों में। आज जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं इतिहास के पन्नों में 29 सितंबर के नाम क्या घटनाएं दर्ज हैं। वर्ष 2016 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस को दिखाते हुए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उसे सबक सिखाया था। भारत ने पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर उसके आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान के कायराना हमले से जम्मू कश्मीर स्थित उरी सेक्टर में एलओसी के पास भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय में आतंकी हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। वर्ष 1959 में आज ही के दिन आरती साह इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला बनी। आरती को हिंदुस्तान की जलपरी के नाम से भी जाना जाता है। आरती साह ने महज 19 साल की उम्र में 16 घंटे 20 मिनट तैरकर 42 मील की दूरी तय कर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। भारत सरकार ने वर्ष 1960 में आरती साह को भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। वर्ष 1977 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने स्पेस स्टेशन साल्यूट 6 को एक प्रोटोन रॉकेट द्वारा लॉन्च किया था। साल्यूट 6 पहला अंतरिक्ष स्टेशन था जिसने मानव आवास, चालक दल के स्थानांतरण, चालक दल और बिना चालक दल के अंतरिक्षयान प्राप्त किए थे। इस स्पेस स्टेशन ने जीवन और संचालन के लिए मिसाल कायम की थी। और आज की तारीख इतिहास के बाद अब बात फाइनेंशियल लिटरेसी की। प्रीति, फाइनेंशियल ज्ञान हम सेगमेंट है हमारा और उसमें हम बात करते हैं कि लोगों को ये पता चल सके कि कैसे वो अपने फाइनेंशियल को मैनेज कर सकते हैं और फाइनेंशियल रिलेटेड वो ऐसी कौन कौन सी बारीक जानकारियां हैं जिनका वो फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि बैंक अकाउंट्स की जानकारी और मनी मैनेजमेंट फाइनेंशियल लिटरेसी में जरूर आते हैं। जैसे पैसे को सुरक्षित कैसे रखा जाए, किस तरीके से रखा जाए, बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं, ये सब फाइनेंशियल लिटरेसी ही है।
बिल्कुल, और कुल मिलाकर के प्रीति ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। तो फाइनेंस ज्ञान में एक्सपर्ट से समझते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। फाइनेंशियल लिटरेसी बेसिकली क्या है, हम एक ये कॉम्बिनेशन है अवेयरनेस का, अवेयरनेस नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड टूवर्ड्स मेकिंग साउंड एंड इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस फॉर इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज, यू नो कंपनीज और फॉर हूसोएवर इज डूइंग फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर देयर वेलबींग। सो वी मस्ट नो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, व्हाट आर द सर्विसेज, व्हाट आर द रिस्क, व्हाट आर द यू नो एडवांटेजेस ऑफ ए पर्टिकुलर स्कीम ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिफोर इन्वेस्टिंग अवर हार्ड एंड मनी। मनी इज ए स्केयर्स कमोडिटी, ओके। सो मनी यू नो पैसा जो है फ्रीली नहीं मिलता, आपकी हार्ड एंड इनकम है, आप उसको कमाते हैं और फैमिली को पालते हैं, आपकी कई एक्सपेंसेस होते हैं, आपको वहाँ भी खर्चा करना होता है, तो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड मनी होने के कारण आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उसका सोच समझकर इस्तेमाल करें, जो ज़रूरी है कि गैर ज़रूरी है, इस प्रकार से निर्णय करते हुए इसको फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं, जिसमें एक फाइनेंशियल एजुकेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको जो उसमें क्या होता है, उसमें हर एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया जाता है कि इसका रिस्क ये है, ये है, रिटर्न क्या होता है, रिवार्ड क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, ये पता होना चाहिए, और इसमें इसकी टेन्योर कितना है, मतलब कितने पीरियड की इसकी इन्वेस्टमेंट है, तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट के अलग अलग फीचर्स होते हैं। कितने आसान शब्दों में हमारे एक्सपर्ट ने फाइनेंशियल लिटरेसी से जुड़ी बातें हमें बताई, और पराक्रम कहीं ना कहीं जब फाइनेंस की बात आती है, इकोनॉमिक्स की बात आती है, तो कई लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ से थोड़ा सा घबराते भी हैं कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, ये हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि मोटे तौर पर अगर हम देखें तो तीन तरह के फाइनेंस हैं, पब्लिक फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, लेकिन पर्सनल फाइनेंस भी काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए अपनी जानकारी अपने लिए फाइनेंस लिटरेसी को लेकर जरूर होनी चाहिए। और इसमें साथ ही साथ हमारे जो एक्सपर्ट हैं के मट्टू, उन्होंने इन्वेस्टमेंट का इम्पोर्टेंस भी बताया है कि क्या कुछ महत्व है निवेश का, लेकिन सही जगह पर वो सही निवेश होना चाहिए। और अब बात करते हैं कला की, और कलाकार में आज के जो हमारे रचनात्मक कलाकार हैं वो उस्ताद सईद अहमद खां हैं। प्रसिद्ध सितार वादक अहमद खां देश विदेश के मंचों पर अपने सितार के सुरों से समा बांधते हैं। प्रीति, कलाकार की जब बात होती है, कला की जब बात होती है, तो मुझे लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा झुकाव कला की ओर है, क्योंकि म्यूजिक और डांस की तो काफ़ी नॉलेज भी है आपको। बिल्कुल, और इसीलिए ये खास सेगमेंट हम आपकी सुबह को और ज़्यादा खुशनुमा बनाने के लिए लेकर आते हैं। तो आइए सितार वादक अहमद खां को हम सुनते हैं। Thank you.
वाकई में प्रीति, जब हम भारतीय शास्त्रीय संगीत के वाद्ययंत्रों को सुनते हैं तो बहुत सुकून और शांति मिलती है। बिल्कुल, और प्रसिद्ध सितार वादक अहमद खां, जो कि देश विदेश में मशहूर हैं, और साथ ही हम लगातार बताते हैं कि ये जो प्रसिद्ध हमारे एक तरह से शास्त्रीय संगीत की विधा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, उस्ताद हैं, वो जो युवा पीढ़ी है उन्हें भी प्रशिक्षण दे रहे हैं और इस विधा में आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, और अब आपको बता दें आज संसद टीवी पर दिन भर प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों के बारे में। आप आज शाम को 7 बजे देख सकते हैं मुद्दा आपका। साथ ही देश दुनिया और राज्यों की बड़ी खबरों पर आधारित कार्यक्रम आज की खबर रात 8 बजे। आज रात 8:30 बजे संसद टीवी पर जरूर देखिए कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप। इसके बाद 9 बजे आप देख सकते हैं लॉज दैट शेप इंडिया, और रात 9:30 बजे आप देख सकते हैं कार्यक्रम पर्सपेक्टिव। और इसी के साथ आपको बता दें आज संसद टीवी पर एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होने वाला है। संवाद श्रृंखला की पहली कड़ी में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संसद टीवी की विशेष बातचीत आज रात 10 बजे। एक राष्ट्र, एक राजनीति, एक सरकार, सभी की यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं। 75 वर्ष की यात्रा राष्ट्र की, 20 वर्ष की एक राजनेता की उपलब्धियां पूरे देश की। यात्रा और पड़ाव के बीच की इन कड़ियों को संसद टीवी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नजरिए से समझने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को लेकर आपकी पार्टी जो एक पूरा अभियान है वो सेवा और समर्पण के नाम से वो हो रहा है। कार्यकाल के जो 20 वर्ष संपन्न हुए हैं अब तक, और उन्होंने कुछ ना कुछ प्रेरणा हर एक फील्ड में दी है। संवाद श्रृंखला की पहली कड़ी में देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संसद टीवी की विशेष बातचीत बुधवार रात 10 बजे। तो ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव बातचीत आज रात 10 बजे जरूर देखिए सिर्फ संसद टीवी पर, और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। और फिलहाल मुझे और पराक्रम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, कल आपके साथ इसी समय फिर मुलाकात होगी।